तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा हॉलीवुड की मूवीज जिन्हें आप इजीली यूट्यूब पर देख पाओगे, और सिर्फ आपके लिए वीडियो के एंड में बात करेंगे एक वेब सीरीज की, बहुत ही कमाल की होगी वो सीरीज। आंखें खुली रखिएगा, अपनी ताकतवर टीम के साथ रहो, यही तरीका है जिंदा रहने का। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि इस एक्शन एडवेंचर हॉरर सर्वाइवल और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है। तो इसलिए कुछ भी मिस ना करने के लिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, ताकि आप ये डिसाइड कर सको इस लिस्ट में से कौन सा मूवी आपके लिए अच्छा है या कौन सा मूवी देख सकोगे। ट्वाइलाइट जी का हॉरर फैंटेसी मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। अब इस मूवी के 3 पार्ट यूट्यूब पर आ चुके हैं जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं, और इसमें आपको कहानी देखने को मिलती है वेयरवुल्फ की, जो कि इंसान लड़की से प्यार कर लेता है, तो उसके बाद मूवी में क्या कुछ होता है मूवी देखकर जाने। गोल्ड लाइट ऑफ डे ये 2012 की बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर स्टोरी हमें देखने को मिलती है विल शॉ की, जो कि अपने परिवार के साथ वो एक हफ्ते के लिए वेकेशन मनाने के लिए आता है, लेकिन उसके जिंदगी में सब कुछ उस वक्त उदल फुदल हो जाती है जब उसे ये पता लगता है कि जब वो लोग वेकेशन मना रहे होते हैं तभी उन लोगों को कुछ और लोग किडनैप कर लेते हैं, और इसी वजह से विल को एक पुलिस ऑफिसर से मदद लेनी पड़ती है ताकि वो अपने परिवार को बचा सके। अब ऐसे में इस मूवी के अंदर हमें ये देखना है कि वो लोग कौन है और उन लोगों ने क्यों विल के परिवार को ही किडनैप किया है, और आज में विल कैसे अपने परिवार को बचाता है ये भी हम इस मूवी के अंदर देखेंगे। मूवी को IMDb की तरफ से 4.9 की रेटिंग मिल चुका है और एक काफी अच्छी फिल्म भी है। हिट लिस्ट जो एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस मूवी की कहानी के बारे में आपको ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो एक आदमी गलती से एक एसोसिएशन को लिस्ट बनाकर देता है जिसमें वो उन लोगों को नाम लिखता है जिनसे वो नफरत करने लगता है, इसके बाद वो एसोसिएशन उन लोगों को मारने लगता है। अब इससे की मूवी में क्या कुछ होता है मूवी देख कर जाने। द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ये भी 2012 की बने एक हॉरर मिस्ट्री वाली फिल्म है जिसके अंदर कहानी में देखने को मिलती है एलिसा की कहानी, जो अपनी बहुत ही खूबसूरत मॉम के साथ वो एक नए शहर आते ही रहने के लिए। अब उस नए शहर के अंदर आने के बाद एलिजा एक टीनेजर लड़की होती है और उसे एक रात पार्टी के अंदर जाना होता है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी से घर वापस आ रही होती है तभी उसकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एलिजा के घर के बगल वाले घर में एक साइको लड़की और उसका भाई रहता है जो कि उसकी मॉम डैड को मार डाला था। अब ऐसे में एलिजा भी उसी साइको लड़की के हाथ में फंस चुकी है। अब ऐसे में क्या एलिजा खुद को जिंदा बच रख पाएगी या बच पाएगी या फिर नहीं, इसकी कहानी को जानने के लिए तो आपको इस मूवी को देखना होगा। इस मूवी की कॉन्सेप्ट मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, इसलिए जितनी मिस्ट्री वाली स्टोरी है सिर्फ आपको मूवी देखकर ही जान सकते हो या पता लग सकता है आपको। बहुत ही कमाल की फिल्म है जिसको IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिल चुकी है। अननोन जो की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो एक आदमी दिखाते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है, और मार्टिन अपनी वाइफ के साथ एक दूसरी कंट्री जाता है, लेकिन इसी बीच मार्टिन का एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर जब मार्टिन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि कोई और इंसान उसकी आइडेंटिटी यूज कर रहा है, और तो और मार्टिन की वाइफ भी उसे नहीं पहचानती। इसी बीच मार्टिन एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी असली आइडेंटिटी बताना चाहती है। अब इससे मार्टिन के साथ क्या कुछ होता है मूवी देख कर जाए। इस लिस्ट के अंदर मैंने आपके लिए एक छोटा सा टास्क रखा है, और वो टास्क ये है कि आप इस वीडियो के अंदर प्लीज हो सके तो 24 घंटों के अंदर 700 या फिर 600 लाइक जरूर कंप्लीट पूरा कर देना। उम्मीद जरूर आप इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दोगे। मैंने ऐसा मूवी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई चाइनीज मूवी इतनी भी अच्छी हो सकती है। इस फिल्म का नाम है द कैप्टन, जो कि 2019 के डिजास्टर ड्रामा फिल्म है जिसको IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग भी मिल चुकी है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है एक पायलट कैप्टन की स्टोरी, जिनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी हम इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं। मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है बहुत सारे पैसेंजर्स को लेकर एक फ्लाइट टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उस प्लेन के अंदर जितने लोग थे उन्हें पता लग जाता है कि यार बाहर की जो वेदर है वो काफी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान उनके सामने आ चुकी है। अब उस तूफान की वजह से सभी लोग की जान खतरे में आ चुकी थी, ये न्यूज सब लोगों को मिल चुकी है, लेकिन उन सभी लोगों को सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, वो है उस प्लेन का कैप्टन। अब उस बहुत बड़े तूफान में वो कैप्टन किस तरीके से अपने सभी साथियों की जान बचाते हैं, एग्जैक्टली इसी चीज को आप इस मूवी के अंदर देखकर भी एंजॉय कर सकते हो। आई रोबोट जो साइफाई एक्शन मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, और IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाते हैं जहां हर इंसान के पास अपना एक रोबोट है। अब इसी बीच में एक आदमी दिखाते हैं जिसने ये सब रोबोट बनाए होते हैं, लेकिन फिर कोई इस आदमी का कत्ल कर देता है और इसका इल्जाम उस घर में रहने वाले रोबोट पर लग जाता है। अब इसी बीच में एक पुलिस ऑफिसर दिखाते हैं जिसके पास ये केस आता है, और ये पुलिस ऑफिसर उस आदमी का बेस्ट फ्रेंड भी होता है। अब इससे मूवी में क्या कुछ होता है मूवी देख कर जाने। हॉलीवुड की बनी हॉरर मूवीज में एक अलग ही किस्म किक है, जिसका एग्जांपल मूवी के अंदर देख सकते हैं जिसका नाम है लाइट्स आउट। 2016 को इस मूवी को रिलीज किया गया था, जिसके अंदर स्टोरी हमें देखने को मिलती है रेबिका नाम की एक लड़की की कहानी, जिसके पिता को एक आत्मा ने मार डाला था, लेकिन ऐसे में रेबिका का एक छोटा भाई भी था जो कि अपनी मॉम के साथ काफी परेशान था, क्योंकि उसके छोटे भाई को ये लगता है कि उसकी मॉम एक आत्मा या फिर एक डेविल से बात करता है या फिर करती है, और इसके बारे में रेबिका और उसका एक बॉयफ्रेंड ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है कि एक्चुअली माजरा क्या है। और ठीक इसके बाद ही मूवी के अंदर जो हॉरर एलिमेंट्स और फिजिकल चीजें शुरू होता है वो देखने में एक्चुअली मजा आता है और डर भी लगता है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा एक अच्छी हॉरर मूवी है, देखो मजा आएगा देखने में।
द प्रीस्ट जी का हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb 5.3 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें एक आदमी दिखाते हैं जिसका नाम प्रीस्ट होता है। अब एक दिन ये प्रीस्ट ये खत्म खाता है कि वो किसी भी आत्मा को नहीं छोड़ेगा और जितने भी आत्मा है वो उन्हें खत्म कर देगा। तो आखिरी आदमी ऐसा क्यों करना चाहता है और मूवी में क्या कुछ होता है, मूवी देख कर जाने। मैजिकल फैंटेसी और एडवेंचर फिल्म जिसका नाम प्रिंस ऑफ पर्सिया द सेंस ऑफ टाइम। IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.6 की रेटिंग मिल चुकी है जिसके अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है। डेस्टिन और उसके सभी भाई मिलकर एक नए किंगडम जीत लेते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस भी थी, लेकिन उस प्रिंसेस के हाथ में एक खंजर था जो कि काफी अनोखी और जादुई थी। अब इसमें मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से डेस्टिन को ये पता लगता है कि उसके ऊपर ये इल्जाम आ चुका है कि उसने अपने पिता का मर्डर कर दिया था। और इसके बाद डेस्टिन उसी किंगडम से वो भाग जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि एक्चुअली उसके पिता को किसने क्यों मारा था। मूवी के अंदर आपको सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज देखने को मिल सकती है और आपको ये भी पता लग सकता है कि उस जादुई खंजर का राज क्या है। The Guardians of Galaxy Volume 2 जो एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb 7.2 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी के बारे में बताकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो अगर कोई इसे देखना चाहता है तो देख सकते। स्पाइडरमैन नो वे होम ये कहानी है पीटर पार्कर की जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से ये मदद लेते हैं ताकि दुनिया वाले ये भूल सके कि पीटर ही स्पाइडरमैन होता है, लेकिन ऐसे में मूवी के अंदर जादू टोना बहुत ज्यादा हो जाता है और इसी वजह से मूवी के अंदर भयंकर चीजें होना शुरू हो जाता है। मतलब की अलग अलग डायमेंशनल या फिर मल्टीवर्स है, जितने भी लोग स्पाइडरमैन को असली जानते हैं वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स में आ चुके हैं पीटर पार्कर को मारने के लिए। अब इसके बाद जो कुछ भी होगा वो आप इस मूवी के अंदर देख लेना, काफी सॉलिड फिल्म है। इस बॉडीज जाने ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और IMDb 6.2 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें कुछ दोस्त दिखाते हैं जो कि अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं। अब शुरू शुरू में तो सब ठीक चल रहा होता है और ये लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब एक रात ये लोग बॉडीज बॉडीज गेम खेलते हैं जिसमें अगर कोई हारता है तो उसे मरने का नाटक करना होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस गेम के कारण सच में किसी की मौत हो जाती है। अब इससे आगे मूवी में क्या कुछ होता है मूवी देखकर जान। बहुत ही कमाल की वेब सीरीज जिसका नाम है स्क्विड गेम। इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल सकती है दुनिया भर में जितने भी लोग हैं जिन्हें पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो लोग एक गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम होता है स्क्विड गेम। इसके अंदर भी अलग अलग बहुत सारे गेम्स होते हैं। ऑलमोस्ट 400 लोगों से भी ज्यादा लोग थे जिनमें से सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट जीत सकते हैं इस गेम को, और वो पार्टिसिपेट कौन है एग्जैक्टली इसी चीज को आप इस सीरीज के अंदर देख सकते हैं और वो गेम्स कैसे खेला जा सकता है इसके भी एक अलग ही मजा है देखने में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हो सके तो, और वीडियो को लाइक ही कर देना ताकि हम मोटिवेट हो सके आपके साथ बहुत ही कमाल की मूवीज को शेयर करने के लिए। सो टेक केयर एंड गुड।